गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा, जैसे आपको इन्फॉर्म हो चुका है कि भी अक्टूबर के अंदर आपके हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, ओके। तो उसके रिगार्डिंग हमने आपको सिलेबस भी दे दिया है और उसी के अकॉर्डिंग हम रिविजन भी करा रहे हैं, ठीक है। सो बेटा, इसमें हम आज टूडे वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ दैट इज लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट टॉपिक, बट वी अगेन स्टार्ट इट बिकॉज इट्स द टाइम ऑफ एग्जाम टाइम पीरियड, स्पेशली फॉर अक्टूबर टेस्ट, ओके। सो बेटा, दैट इज द टॉपिक ऑफ लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सो बेटा, जैसे हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए हार्ट पंपिंग का काम करता है, लेकिन हार्ट यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। जो हमारे मिनरल्स है, ब्लड है, उन सब का जो सर्कुलेट करना है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, वो हार्ट से भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले और भी एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा वेन्स। और वेन्स क्या होती है? जो ब्लड और मिनरल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करती है। क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। दैट मीन्स हमारे बॉडी को लाइफ लाइन देती है, एक्चुअलिटी के अंदर हमारी बॉडी को प्रोसेस में लाती है। उसी तरह से बेटा कंट्री की इकोनॉमी होती है, उसी तरह से क्या होती है, कंट्री की इकोनॉमी होती है। और कंट्री की इकोनॉमी को परफेक्ट वे में रन करने के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कंट्री की इकोनॉमी को जो लाइफलाइन देता है, दैट वी कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं बेटा? उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ट्रांसपोर्ट के बारे में हम क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट हम ट्रेडिशनल भी देखते हैं, मॉडर्न टाइम पीरियड में भी है, और भी एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में कुछ हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो चुकी है जो हमारा टाइम कंज्यूम करती है, ओके। सो बेटा, स्टार्ट करते हैं हम मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ है, जो हमारे नॉर्मली जो ट्रांसपोर्ट के टाइप होते हैं, वो बेटा थ्री टाइप्स के होते हैं, दैट इज द लैंड, वाटर एंड एयर। तो लैंड वे तो कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं कि कब से हमने लैंड वे के यूज करने शुरू किए हैं। आई थिंक बेटा जब से ह्यूमन बींग्स ने अपने आप को वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए मूवमेंट करना शुरू किया है, तब से हम किसका यूज कर रहे हैं? लैंड वे का यूज कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? लैंड वे का कर रहे हैं। और लैंड वे के अंदर जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन। उसी तरह से बेटा वाटरवेज में, वाटर के अंदर भी हम टू कैटेगरी रखते हैं, दैट इज द इनलैंड, इनलैंड का मतलब होता है कंट्री का इंटरनली पार्ट, और ओवरसीज का होता है बेटा डिफरेंट कंट्रीज में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देना थ्रू द वाटर, दैट मीन्स सी और ओशियन। एंड नेक्स्ट वन इज एयर। एयर आल्सो प्रोवाइड टू टाइप ऑफ फैसिलिटीज, फर्स्ट इज डोमेस्टिक एंड सेकेंड वन इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मीन्स इंटरनल पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड इंटरनेशनल मीन्स प्रोवाइड अ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इन अ डिफरेंट कंट्रीज, ओके। सो विद दिस फर्स्ट एयर, दैट इज द लैंडलाइन। और लैंडलाइन के अंदर बेटा हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है रोडवेज के बारे में। इसके बारे में रोडवेज, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले जो स्टार्टअप हुई है, जो हम कह सकते हैं जिसमें हमने मूवमेंट करना शुरू किया है, वो किसमें किया है? रोडवेज के थ्रू किया है। और रोडवेज बेटा ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंक्रीट के बने हो, क्योंकि रोडवेज को हम नॉर्मली टू वेज में क्लासिफाइड करते हैं। कितने में? टू वेज में। फर्स्ट होता है मेटल, ओके, और सेकंड वन होता है बेटा नॉन मेटल। ये आपके टू टाइप्स के रोड्स की कैटेगरीज होती है, ओके। सो सिंपल सी बात है बेटा, रोड्स का कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि कब से हमने इनको स्टार्टअप किया है, कि कब से मेटल्स रोड स्टार्ट हुए हैं, कब से नॉन मेटल्स का स्टार्टअप हुआ है। तो आई थिंक कि नॉन मेटल्स तो जब से मूवमेंट हमने करना शुरू किया है, तब से ही हम नॉन मेटल रोड्स का यूज कर रहे हैं, ओके। और जब से हमने कंक्रीट का यूज किया है, तब से रोडवेज का यूज, सॉरी सड़कों का, मेटल्स का यूज करना शुरू कर रहे हैं, मेटल्स रोड्स का हम यूज कर रहे हैं, क्लियर। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं रोडवेज के बारे में। और बेटा रोडवेज को हम क्लासिफाई करते हैं उनके यूज के ब्याह पर। और सबसे पहले जो यहाँ पे नाम लिखा है, दैट इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे।
और ये वो हाईवे जो हमारे कंट्री के फोर मेजर सिटीज को कनेक्ट करती है। कौन सी फोर मेजर सिटीज? इसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई आता है। ये इस तरह से कनेक्टिविटी करती है दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और फिर दिल्ली। ओके, इस तरह से फोर मेजर हाईवेज हैं जो क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म करते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से फेमस है, जिसमें मेजर फोर हाईवेज आते हैं 2, 4, 5 और 8। अब तो रीनेम्ड हो चुके हैं लेकिन स्टार्टिंग के अंदर नेशनल हाईवे नंबर 2, नेशनल हाईवे नंबर 4, 5 और 8 ये फोर नेशनल हाईवे मिलकर ही फॉर्म्ड करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। इसके अलावा बेटा इसमें 2 कॉरिडोर्स और हैं, ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर, साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर। ईस्ट में बेटा सिलचर से पोरबंदर तक, वेस्ट में और नॉर्थ में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये मिलकर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी नाहर के अंडर में आता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका कंस्ट्रक्शन CPWD कराता है। क्लियर? कहने का मतलब है एक तरह से ये भी NH का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? NH का ही पार्ट है, नेशनल हाईवे का पार्ट है। इसके बाद में आते बेटा नेशनल हाईवे। ओके, और नेशनल हाईवे के अंदर हमारे कंट्री के अंदर 100 ऑफ नेशनल हाईवेज है जिसको मेंटेन करने की, या फिर हम कह सकते हैं एक अथॉरिटी है जो उसके अंडर में और डिसीजंस लेती है, जिसको नहाई कहते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका कंस्ट्रक्शन कराती है CPWD। ओके, और अगर बेटा हम सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे की बात करते हैं, दैट इज द नेशनल हाईवे नंबर 7, दैट इज फ्रॉम बनारस टू कन्याकुमारी। कहां से है? बनारस से कन्याकुमारी तक रन करता है। और अगर ओल्डेस्ट की बात करते हैं तो बेटा आपने ग्रांड टैंक रोड का नाम सुना है, GT रोड, जो बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2। ओके, ये सबसे हमारे ओल्डेस्ट नेशनल हाईवेज में आते हैं, इनको हम शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग। ओके, इसके बाद में आता है बेटा स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे का मेन रोल होता है जो स्टेट की कैपिटल होती है उसके साथ कनेक्टिविटी करना। इसके साथ में स्टेट कैपिटल्स के साथ कनेक्टिविटी करने वाले जो रोड्स होते हैं उनको स्टेट हाईवे कहते हैं। और स्टेट हाईवे भी किसके अंडर में आता है? नाहाई के अंडर में ही आता है, दैट मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बट इसका जो कंस्ट्रक्शन कराता है वो SPWD करता है, दैट मीन्स स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट स्पेशली स्टेट का, और यहाँ पे था सेंट्रल का। क्लियर? नेक्स्ट में बेटा दूसरा, स्टेट जो हाईवे होते हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे नाहाई के अंडर में आता है, जितना आपके नेशनल हाईवेज इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल हाईवेज के अंदर हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे स्पेशली उन एरियाज में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं जहां पर मोस्ट ऑफ आपके इंडस्ट्री एरियाज जोन है, या फिर हम कह सकते हैं इंडस्ट्री एरिया उन्हीं वहां पर डेवलप किए गए जहां पर नेशनल हाईवेज क्रॉस हुए हैं। लेकिन स्टेट हाईवेज हमारी मेजर स्टेट्स से लिंक करता है और स्टेट कैपिटल को कनेक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा डिस्ट्रिक्ट हाईवे। डिस्ट्रिक्ट हाईवे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्टिविटी करते हैं विलेज के साथ में। ओके, हर एक विलेज की कनेक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ में जो की जाती है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट रोड। और डिस्ट्रिक्ट रोड की बेटा कंस्ट्रक्ट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज जिला परिषद। कौन कराता है? जिला परिषद करता है। और जिला परिषद, दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट रोड को जो फंड मिलता है वो स्टेट फंड से मिलता है। किससे मिलता है? स्टेट फंड से मिलता है। इसके अलावा अगर इनके अपने खुद के रेवेन्यू सोर्सेज हैं तो वहां से भी कलेक्ट करते हैं। वैसे मैक्सिमम जो उन्हें फंड मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करती है, देन दे कंस्ट्रक्ट द डिस्ट्रिक्ट रोड। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा बॉर्डर रोड्स। नेक्स्ट है बॉर्डर रोड्स, बड़े इंपॉर्टेंट है जो हमारे बॉर्डर लाइंस के साथ कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे नेबर कंट्रीज है, नेबर कंट्रीज के साथ में जो हम गुड्स का एक्सचेंज करते हैं थ्रू द रोड, वही बॉर्डर रोड्स के नाम से फेमस है। ओके, जैसे हमारा नेशनल हाईवे नंबर 1 है जो मेनली तो अमृतसर तक है, उसके बाद पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? बॉर्डर रोड्स के थ्रू हो रहा है। इसके अलावा बेटा आर्मी मूवमेंट में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आर्मी को जो हम मेनली जो नीड्स होती है गुड्स की, उनको हम प्रोवाइड करते हैं।
और बॉर्डर रोड्स का कंस्ट्रक्ट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की है। इसकी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ना ही और SPWD या PWD का कोई रोल नहीं होता है। आया समझ में? इसके अलावा बेटा अदर रोड्स होते हैं, अदर रोड्स की भी कैटेगरी होती है जिनको हम सीजनल रोड भी कहते हैं, विलेज रोड भी कहते हैं। ओके, जो मेनली विलेज रोड की कनेक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट रोड्स के साथ की जाती है। इसके साथ में विलेज रोड की या फिर अदर रोड्स की कनेक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट रोड्स के साथ में की जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कुछ रोड सीजनली होते हैं जो स्पेशली रेनफॉल मानसून सीजन के टाइम में इम्पोर्टेंस ही रखते हैं, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सीजनली जो रोड होते हैं, और फिर उन्हें रिपेयरमेंट किया जाता है। ओके, और इसके अलावा बेटा हम देखते हैं जो आपकी लैंडवे या रोडवेज होती है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों करती है? बिकॉज इट्स प्रोवाइड द डोर टू डोर फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी दे रहा है? डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इजिली हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। ओके, ज्यादा इसमें एक्सपेंस भी नहीं आता है, इजिली मेंटेनेंस किया जा सकता है। इसके अलावा बेटा हम रिमोट एरियाज में भी रोड्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हिली एरियाज में रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, फॉरेस्ट के अंदर रोडवेज का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। ओके, जहाँ पर रेलवेज और एयरवेज सक्सेसफुल नहीं हो पाती है वहां पर क्या सक्सेसफुल हो पाता है? रोडवेज हो जाता है। ओके, टनल्स बनाई जा सकती है माउंटेन्स पर। ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि एक रिमोट एरियाज में भी हम फैसिलिटी देते हैं थ्रू द रोड्स। क्लियर है? सो बेटा ये आपका हमने लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के अंदर फर्स्ट टॉपिक आज कराया था, रोडवेज। ओके, नेक्स्ट डे में जो बाकी है वो भी कराएंगे। क्लियर? सो अपना रिवीजन कंटिन्यू रखें जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। ओके, और बेटा अपना पूरी तरह से अपना रिवीजन करें परफेक्टली, किसी तरह की कोई कमी हो कोई डाउट हो तो आप स्कूल में भी आ सकते हैं, क्योंकि अब तो परमिशन है और थ्रू द कोर आप पास कर सकते हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया? बाय, टेक केयर।